हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यूज़ फ्रॉम क्यूज फ्राम एप्टीट्यूड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव एन हम बात कर रहे हैं कि इमोशनल एडजस्टमेंट जो है वो स्टूडेंट का कहाँ पर इफ़ेक्टिव होता है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन क्लास टीचिंग डिसप्लिन सो ऑल ऑफ द अब इज द आंसर वेदर वी कॉल इट पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी इमोशनल एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्लास टीचिंग में भी इमोशनल एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा एक, एक पार्ट है एंड डिसप्लिन में भी श्योरली ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप और कैटेगरी इन टीचिंग एड्स किस में हम इसको टीचिंग एड में शामिल कर सकते हैं ऑडियो एड्स विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल ऑन एन ऑफ द अबव सो इट इज़ विजुलड्स सिंपली जो ब्लैक बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होता है ग्रीन बोर्ड होता है वो विजुअल एड का ही काम करता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विद टीचिंग स्किल यहाँ पर जो टीचिंग स्किल में से कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग श्योरली सॉल्विंग क्वेश्चन इट इज़ पार्ट ऑफ टीचिंग स्किल एंड आस्किंग क्वेश्चन इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग स्किल अगर टीचिंग स्किल की बात की जाए तो बेस्ट पार्ट है आज के क्वेश्चन ये भी एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है ऑल ऑफ द अब इस आंसर स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास शुड भी अगर बात करेगी क्वेश्चन जो बच्चे क्लास में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरह के होने चाहिए एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास इनक्रेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास एंड इनक्रेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन इनक्रेज टो सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली सो जब भी कोई बच्चा क्वेश्चनस पूछना शुरू कर देता है तो ये एक तरह का सिग्नल होता है कि वो हाईली मोटिवेटेड हम उसको उस बच्चे को मानते हैं तो श्योरली अगर इस तरह का बिहेवियर है तो हमें उसे क्या करना चाहिए इनक्रेज करना चाहिए कि वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछता रहे ऐट ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग जहाँ पर ऑथोरीटेरियन टीचिंग होती है ये किस तरह की टीचिंग है तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जहाँ पर ऑथॉरिटेरियन टीचिंग होगी वो टीचर सेंटर्ड क्लास ही होती है क्योंकि उसमें ऑथोरिटी के ऑथॉरिटी किसके पास होती है टीचर के पास सारी ऑथॉरिटी होती है हु डिवेलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिनेस तो कौन थे जिन्होंने इंटरेक्शन uh, एनालिसिस की बात की थी या उसको डेवलप किया था सो ही वाज फ्लैंडर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय तो जो मॉरल थ्योरी की बात की गई थी वो किसने इनमें से की गई थी कोहलबर्ग एरिक फ्रोम कॉलमिन और ब्लूम सो इट इट वाज बाय कोहलबर्ग कोहलबर्ग ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डिवेलपमेंट थ्योरी दी थी कैरेक्टर इज़ डिवेल्प्ड बाई कैरेक्टर जो है वो किस तरह से डिवेलप किया जाता है किसके द्वारा डिवेलप किया जाता है विल पावर कंडक्ट एंड बिहेवियर मॉरेटी सो इट इज़ डिवेल्प्ड बाय ऑल ऑफ द अबव विल पावर भी ज़रूरी है कैरेक्टर को डिवेलप करने के लिए कंडक्ट और बिहेवियर हमारा जो आचरण है एंड मॉरल्टी नैतिकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग इनमें से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का को, कोई एक लेवल नहीं है सो फस्ट इज़ डिफ्रेंशियशन लेवल मेमरी लेवल रिफ्लैक्टिव लेवल अंडरस्टेंडिंगल तो हमने इन सारे लेवल्स को अपनी क्लास में पढ़ा था तो so आप बेटर समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिफ्रेंशन लेवल कोई लेवल नहीं था सो यू मस्ट नो दैट जो न्यूपा है वो मेनली कंसर्न किस चीज़ से है सो इट इज़ एजुकेशनल प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है द नेम ऑफ यशपाल कमिटी रिपोर्ट वी नो दैट लर्निंग विदाउट बर्डन द फादर ऑफ़ साइको अनैलिसिस साइको अनैलिसिस जो है हम इसो, इसे इसे साइकोलॉजी की विंग कहेंगे इसके जो फादर हैं किसको कहा जाता है सो इट वॉज ही वॉज सिगमन फ्राइड इन पेडेगोजी कंप्यूटर इज़ यूज जो पैडेगोजी है उसमें कंप्यूटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है टू मोटिवेट द लर्नर टू प्रोवाइड फीडबैक इंटरैक्ट विज लर्नर अब ऑल सो श्योरली हम मोटिवेट कर सकते हैं लर्नर को बहुत सारी चीज़ों को दिखा के ऑडियो विजुअल बना के चीज़ों को हम लर्नर को मोटिवेट कर सकते हैं फीडबैक जैसे हम एम कर रहे हैं या और तरह के कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू इंटरेक्ट विद लर्नर इंटरेक्शन के लिए आजकल आप देख सकते हैं कि कोविड पीरियड में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन का जो एक टूल है वो कंप्यूटर को यूज़ किया गया

फिलासफी का है सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद विक्टोरियन एरा और डेमोक्रेटिक एरा सो डेमोक्रेटिक एरा में तो हम नहीं मान सकते इसको या नेचुरलिस्टिक फ़िलासफी में भी ऐसा कुछ नहीं है और प्रैग्मेटिक फ़िलासफी में भी ऐसा है नहीं तो विक्टोरियन एरा भी इसका आंसर नहीं है ये एक ग्रीक फ़िलासफी का वर्ड है कि अगर हम स्पेयर करते मीन्स रॉड को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम बच्चे को स्पॉल करते हैं मीन्स इसमें साइकोलॉजी का अपोजिट इसको माना जाता है इस कोटेशन को सो यू इट हैज़ नथिंग टू डू इज विक्टोरियनरा बट you can take it as an example कि जहाँ से psychology की ज़रूरत शुरू होती है okay सिर्फ डंडे से काम नहीं चलता बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसे motivate करने के लिए या अधिगम करवाने के लिए अगर technical word use यूज करें अधिगम learning वहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है the कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स वॉज़ फर्स्ट एग्जीक्यूटेड जो स्कूल का कौन uh, जो एक कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था सो इट वाज इन राजस्थान इन अगर हम इसे ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इसमें जो कॉग्निटिव थ्योरी जो किया हुआ था जो थ्योरी है वो किसने दी थी सो इट वाज एन एल गेज इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स दी एबसेंस एंड स्कैप फ्राम क्लास टीचिंग सो अगर हम कहें कि इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स जो इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वो एबसेंस और स्केप फ्राम क्लास ऑफ टीचिंग तो ये uh, दो चीज़ों को अगर हम इंस्ट्रक्शन मीडियम की बात करें अगर हिंदी मीडियम है इंग्लिश है या कोई और मीडियम है Uh, तो उससे स्केप और एब्सेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है तो इससे आप एग्रीड हैं तो वैसे आंसर एग्रीड ही होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ समझाई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा बजाय कि कोई फॉरेन लैंग्वेज के सो वी मस्ट एग्री फॉर दिस द डिटर्मिनट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज़ अगर हम बात करें कि जो टीचिंग स्किल ट्रेनिंग है उसके उसके लिए डिटर्मिनेंट कौन कौन सी चीज़ें होंगी सो कॉम्पोनेंट प्यूपल टीचर या सुपरवाइजर या हेड मास्टर सो कॉम्पोनेंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो टीचिंग स्किल ट्रेनिंग के कॉम्पोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं फॉर अ गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड जो अगर हम कहें कि गुड कम्युनिकेशन एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए सम्प्रेषण के लिए हम Uh, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है सो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग यहाँ पे एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन सी अप्रोच है मैन पावर अप्रोच सोशल डिमांड अप्रोच बोथ ए एंड बी सो बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है वो किस चीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए एम एंड नीड टाइम टेबल एडमिनिस्ट्रेशन और नीड सो एम एंड नीड्स पे टीचर बिहेवियर ऑट भी टीचर का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए इट शुड भी आइडियलिस्टिक एक आदर्श जो है वो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं वो बिहेवियर से सबसे ज़्यादा सीखते हैं इंफॉर्मेशन हाई वे ऑन नेट इज़ इट इज़ इंटरनेट इनसेट हैज़ बिन लॉन्च थर्टी अगस्त नाइनटीन एटी फोर The number of representative of central government in UGC it is two computer languages based on number system. Uh, the main task of educational computer is so scoring an answer, preserve the information, analysis of data. So all of the above is the answer. Let's jump to some more questions. Uh, the computer-based uh, teaching model has been developed by Kisni Developed Kyata. So And Davis, 1965. Which of the following expectation students have from group learning? Group learning से जो students की expectation हैं वो कौन-कौन सी होंगी? To attract isolated student towards the group. और usually क्या होता है कि कुछ बच्चे जो isolated होते हैं या individual नहीं सीख पाते हैं या उन्हें individual जो communication है उसे वो ठीक से नहीं कर पाते हैं तो इसलिए उन्हें group ग्रुप uh, लर्निंग के लिए हम क्या करना चाहते हैं मोटिवेट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मैथड इज अगर हमें किसी बच्चे का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो सबसे इफेक्टिव मैथड कौन सा होगा टू फाइंड आउट द रीजन्स फॉर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रिमेडीज तो सबसे पहले जो काम है अगर किसी बच्चे के अंदर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है तो हम उसके सबसे पहले रीज़न ढूंढेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द रिमेडीज़ पनिश द स्टूडेंट नो पनिशमेंट का तो हमें नाम भी नहीं लेना है टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स डायरेक्टली पेरेंट्स को अगर हम बात करें कि डायरेक्टली पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करना तो हम एज अ टीचर फेल हैं मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी ये मानती है कि क्योंकि हम एक ट्रेंड इंडिविजुअल हैं एक टीचर एक ट्रेंड इंडिविजुअल है तो सबसे पहले उसे खुद का कुछ ना कुछ एफ़र्ट करना है तब उसे पेरेंट तक पहुँचना है ओके okay, सो so अगर हमें ऐसा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर किसी बच्चे का दिखता है तो हम खुद से पहले रीज़न फाइंड आउट करेंगे रेमेडीज़ करेंगे और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे पनिश तो बिल्कुल नहीं करना है इन बिच यूनिवर्सिटी माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961 सिक्सटी सबसे पहले माइक्रो टीचिंग जो है हम लोगों ने आप लोगों ने बीएड में किया था वो कहाँ शुरू हुई थी तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सीएआई का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन से याद कर लीजिए मैन इज़ बॉर्न फ्री बट बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज ये स्टेटमेंट किसने कहा था ये रूसो का स्टेटमेंट है कि हम सभी पैदा तो हम फ्री होते हैं लेकिन अब हम चेंज में हैं विट एन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स अगर बात करें कि रिटर्न कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो एल्गोरिजम्स एंड डिसीज़न टेबल मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन तो जो स्कूल मैनेजमेंट होता है वो किसके ऊपर होता है तो सिंपली ये प्रिंसिपल के ऊपर होता है एंड uh, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्निकल देखिए अगर मेन वर्ड नहीं होता यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रिंसिपल की भी है टीचर की मैनेजर सब की है बट जब यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही तो देन द आंसर विल बी प्रिंसिपल तब प्रिंसिपल की बात आ रही है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसप्लिन इज़ जो स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य है वो कौन कौन सा होना चाहिए टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स तो सेफ्टी की वजह से डिसिप्लिन जरूरी है एंड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर टीचिंग एंड लर्निंग लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट बनाना ही डिसिप्लिन का उद्देश्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओके एट प्राइमरी टीचर प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशियो कौन सा है वन थर्टी नाइन किसके अकॉर्डिंग सो अकॉर्डिंग टू सिक्स एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्राम वर्किंग तो उसे हम क्या कहते हैं अगर कोई भी फॉल्ट कंप्यूटर में आ जाता है इस तरह का जो प्रोग्राम को प्रिवेंट करेगा तो उसे हम वर्क कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्न डेट अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें किस हमें कब सीखी जाती है सो लैंग्वेज लेबोरेटरी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए होती है ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स अगर हम ड्रॉपिंग आउट की बात करें सो एवरीबडी नोज दिस टू लीव स्कूल फॉर एवर वो स्कूल को अगर कोई छोड़ दे हमेशा के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल अच्छे टाइम टेबल का क्या नहीं होना चाहिए फ्लैक्सीबिलिटी श्योरली फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए रूथलेस मास्टर रूथलेस मास्टर नहीं होना चाहिए वेराइटी उसमें होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट कहने का मतलब ये है कि जो टाइम टेबल होता है वो हमारा कोई मास्टर नहीं है हम उसे एज अ टूल यूज़ करेंगे कई बार स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो टाइम टेबल बनाया जाता है उसे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना करने के आ, हम कहीं आदेश होते हैं कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता तो अगर आप क्रिएटिविटी के लिए कोई स्पेस या स्लॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें नहीं ढूंढ पाते हैं तो एक एज़ अ टीचर एज अ प्रिंसिपल हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि जो हमारा टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि कहीं पर हम चेंजेस कर पाएँ उसमें क्रिएटिविटी के लिए स्लॉट ढूंढ पाएँ द रीज़न ऑफ एबसेंस एंड स्केप फ्रॉम स्कूल इज़ अगर हम बात करें कि बच्चे एबसेंट क्यों हो रहे हैं स्कूल से या स्कूल से भाग क्यों रहे हैं तो उसके पीछे कौन से रीज़न है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस सिलेबस में इंटरेस्ट ना होना पोअर मैथड ऑफ टीचिंग Uh, पढ़ाने के जो टी मैथर्ड्स uh, हैं वो बहुत ख़राब हों इनफेक्टिव टीचर और टीचर इफ़ेक्टिव ना हो तो सो ऑल ऑफ दी अबव तीनों इसके रीज़न हो सकते हैं मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले भी काफ़ी बार बताया है कि आप जैसे ही आप इसी क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि एब्सेंस और स्केब जब बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या वो स्कूल नहीं आना चाहते तो हम बहुत सारे रीज़न स्टूडेंट के ऊपर भी डाल सकते हैं लेकिन सारा का सारा हमें क्या करना होगा टीचर uh, और सिलेबस के ऊपर डालना है और एक आदर्श सोच रख कर ही हमें टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की कोशिश करनी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एच आर डी जो है वो uh, कब इस्टेब्लिश हुई थी सेप्टेम्बर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन एटी फाइव द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन मेकिंग का स्कोप है वो किसके अंडर में आता है सो so, एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज़ डेस ग्लैंडस फैमिली बैकग्राउंड स्कूल और अबव ऑल तो ये सारी चीज़ें क्योंकि स्कूल जो है वो सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी या एक इंडिविजुअल जो हमारी अंदर हमारी ग्लैंड्स हैं बाकी चीज़ें हैं फैमिली बैकग्राउंड है ये सारी मिलकर ही पर्सनैलिटी को डिवेलप करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कस इज़ डिस्कस्ड इन टीचर्स डायरी टीचर की डायरी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए क्लास टाइम टेबल श्योरली वहाँ पे होना चाहिए और टीचिंग कंटेंट टीचिंग कंटेंट भी उसमें होना चाहिए टेन प्लस टू प्लस थ्री का जो सिस्टम था वो किसने दिया था कोठारी कमीशन ने रेफर्स टू स्टेट्स विद इन अ पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव्स बिहेवियर टूवर्ड सम गोल तो उसे हम क्या कहते हैं जब कोई इंसान या कोई हम कहें जानवर किसी काम को करने के लिए किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ मोटिवेटेड uh, होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मोटिवेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कहेंगे एफिलिएशन नहीं कहेंगे कॉम्पिटेंस नहीं कहेंगे साइकोलॉजिस्ट हु डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रिमेडी देम आर कॉल्ड स्कूल साइकोलॉजिस्ट उन्हें स्कूल साइकोलॉजिस्ट कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रिडिनेस in maturation is important in understanding development of behavior because it teaches us that certain skills may be difficult or impossible to learn before a given age level a concept of state readiness in maturation is important in understanding development of behavior कि एक कुछ स्किल्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर एज लेवल के लिए तो हम एज लेवल इस चीज़ को डिवाइड करें डिसाइड करेगा कि कौन सी जो स्किल है वो नहीं सिखाई जा सकती इस पर्टिकुलर एज में अ चाइल्ड विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल इन्वायरमेंट विल अचीव अगर एक एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस है कोई बच्चा उसे हम एक फर्टाइल इन्वायरमेंट देंगे उसे बहुत सारा ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि वो बहुत कुछ कर पाए लाइफ में उस उन चीज़ों को सीख पाए तो डेफिनेटली क्या करेगा उसकी एक लाइफ जो है वो बेटर लाइफ होगी सिबलिंग्स पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ जो है वो मोटिवेशन अगर हम सिबलिंग की बात करें या पेरेंट्स की बात करें टीचर्स की बात करें तो मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स वो लोग होते हैं अ गुड अंडरस्टेंडिंग ऑफ डैश मेक्स अस नो अबाउट आवर सेल्फ बेटर तो एक अगर एजुकेशन को अगर हम बेटर तरीके से यूज़ कर पाएँ तो हम उसे कहेंगे uh, कि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन की हमें एक ख़ुद को जानने का क्या करती है एक बेटर अपॉर्चुनिटी देती है गुड टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर बी आर दी फॉलोइंग फीचर्स इसमें क्या है कि एक गुड टेस्ट सॉरी गुड टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें कि कौन सा टेस्ट सबसे बेहतर होगा तो उसमें क्या होना चाहिए रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए विश्वसनीयता सबसे पहले होनी चाहिए मेंटल हेल्थ इज मेंटल हेल्थ है हारमोनीस फंक्शनिंग ऑफ टोटल पर्सनलिटी अगर आपकी मेंटल uh, हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपका आपके अंदर एक हारमोनियस फंक्शनिंग होगी आपकी पर्सनैलिटी की ड्यूरिंग द डैश चिल्ड्रेन आर फेस्ड विद प्रॉब्लम ऑफ कोपिंग विद स्कूल तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कॉपिंग की प्रॉब्लम को फेस करते हैं सो प्री स्कूल पीरियड द बेस्ट वे टू मेमोराइज इस अगर हम किसी चीज़ को आ, हमें मेमोराइज करना है तो सबसे अच्छा अच्छा क्या है ये आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी चीज़ के बेस में बन चुका है तो आप उस चीज़ को काफ़ी दिनों तक आप याद रख सकते हैं या आपका ब्रेन उसे हमेशा के लिए याद रख लेता है स्टूडेंट्स लाइक दैट टीचर 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 हु किस टीचर को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफिस और हर सब्जेक्ट अगर बच टीचर को अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज हो तो बच्चे उसको क्या करते हैं बहुत पसंद करते हैं विद द डिवेलपमेंट ऑफ़ टेक्नोलॉजी और इसमें मैं ऐड और करना चाहूँगा कि नॉलेज सब्जेक्ट का नॉलेज तो हुई लेकिन साथ में अगर उनकी जो वे ऑफ टीचिंग है अगर वो बहुत अच्छा है सो दिस इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर अ टीचर टीचर का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है विद द डिवेलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इज़ फ्यूचर विल बी तो यहाँ पर क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ में टीचर का रोल चेंज होता जाता है क्योंकि आज के डेट में जैसे आप खुद ही सोचिए कि नॉलेज जो है वो हर जगह अवेलेबल है आ, हर किसी के पास नॉलेज है बट एक जो टीचर है वो उसका रोल चेंज हो के एक गाइड की तरह हो गया है कि उस टीच बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड कर पाए टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एज गुड सिटीजन अ टीचर शुड अगर बच्चों को हम कहें कि एक अच्छे सिटीजन के लिए तैयार करना सिटीजनशिप के लिए तैयार करना तो टीचर को क्या करना चाहिए प्रोवाइड गुड लीडरशिप टीचर को अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट शुड बी गिवन होमवर्क टू अगर बच्चों को जो होमवर्क दिया जाए तो किस तरह से दिया जाए तो उसका एक फोकस होता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर पाएँ दी पर्पज़ ऑफ़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो एजुकेशन uh, पॉलिसी का क्या पर्पज़ है सो टू रिव्यू द एजुकेशन अ टीचर लर्नस मोस्ट बाय जो टीचर uh, है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सीखता है बाय इज़ स्टूडेंट्स हिज कलीग्स प्रिंसिपल और एक्सपीरियंस और ड्यूरिंग टीच ट्रेनिंग सोशरली जो हमारा एक्सपीरियंस होता है सबसे ज़्यादा सिखाता है ऑन फर्स्ट डे इन द क्लास यू विल टीचर जो है वो फर्स्ट डे क्लास में है तो क्या करेगा टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इससे क्या होता है कि बच्चों से आप अच्छे तरीके से जुड़ पाते हैं दिस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेस्ड बाय अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो कैसे रेज किया जाए सो अपॉइंटिंग गुड टीचर्स अच्छे टीचर्स को हम हमें क्या करना चाहिए अपॉइंट करना चाहिए द पर्पज़ ऑफ़ इस्टेब्लिशिंग नवोदय विद्यालय तो नवोदय विद्यालय रूरल एरियाज़ में ही होते हैं और इनका जो पर्टिकुलर वर्क है वो इसीलिए है कि हम एक अच्छी एजुकेशन रूरल एरियाज़ में दे पाए ड्यूरिंग टीचर टीचिंग टीचर गिव्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं टू एक्सप्लेन द लेसन वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन द लेसन इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग दैन यू वेल अगर आप क्लास में क्या नहीं कर रहे आप बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एक डंडा रखिए अपनी क्लास में बहुत अच्छा ध्यान देते हैं राइट इग्नोर देम वी कैन नॉट इग्नोर देम हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते लीव द क्लास क्लास तो छोड़ के जा ही नहीं सकते आस्क देम टू पे येंशन और बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है या पूछने का हम कहें कि उनसे हम रिक्वेस्ट करें सो टीचिंग मैथड को चेंज करना दिस इज़ दी यू नो आदर्श एक स्थिति ये है कि हम टीचिंग मैथड चेंज करें बट कई बार बच्चे रियल लाइफ में आप कितनी भी टीचिंग मैथड्स चेंज कर लो अगर उनका मूड नहीं है तो नहीं पढ़ने वाले ओके सो ओनली एक ही मैथड यूज होता है एंड दैट स्टिक मैथड बट डोंट यूज़ दैट नाउ सो अकॉर्डिंग टू यू द लास्ट वन द एम ऑफ एजुकेशन शुड भी क्या होनी चाहिए डिवेलप पर्सनैलिटी कि पर्सनैलिटी का क्या हो डिवेलपमेंट हो uh, ये एजुकेशन का एक एम होना चाहिए